साथियों, बरसों तक कांग्रेस ने जनजातीय समुदाय को भी सिर्फ एक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया। आपके कामकाज, आपकी पूजा पद्धति, आपकी परंपराओं पर कांग्रेस ने जानबूझकर के हमला होने दिया है। इसलिए मैं आपको कांग्रेस द्वारा फैलाई जा रही अफवाहों से सतर्क करना चाहता हूं। आप आश्वस्त रहिए, जब तक मोदी है ये आपका चौकीदार है, जब तक मोदी है तब तक आपकी जमीन, आपका जंगल, आपके अधिकार, इससे कोई पंजा हाथ नहीं लगा पाएगा। साथियों, कांग्रेस ने दशकों तक कैसे आपके अधिकारों को नजरअंदाज किया है, आपके साथ अन्याय किया है, और कैसे आपके इस चौकीदार ने आपके अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। भाइयों और बहनों, एक कांग्रेस पार्टी ही थी जिसके समय में जंगलों में मौजूद संपदा पर, खनिजों पर पहला हक उद्योगों का माना जाता था, बड़ी बड़ी कंपनियों का माना जाता था। यहां लोहरदगा में भी तो बॉक्साइट की इतनी खदानें हैं, कांग्रेस ने इन्हें भी माफियाओं के हवाले कर दिया था। साथियों, आदिवासी अपना जंगल देता था, जमीन देता था, और बदले में उसे कुछ नहीं मिलता था। जब मेरे सामने ये मामला आया तो मैंने फौरन अधिकारियों को कहा कि कांग्रेस का यह अन्याय नहीं चलेगा। मैंने तय किया कि आदिवासी इलाकों में जो खनिज निकलता है उसका एक हिस्सा वहीं के आदिवासी विस्तारों के विकास में लगाना कंपलसरी होगा, फर्जियात होगा। इसके लिए चौकीदार ने पहली बार डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड बनाया, कानूनी व्यवस्था की। साथियों, इतने कम समय में इस योजना से अकेले झारखंड जैसे छोटे राज्य को आदिवासी इलाकों के कल्याण और विस्तार और विकास के लिए 4000 करोड़ रुपया मिला है, 4000 करोड़। वरना पहले ये पैसे उद्योगकारों के जेब में जाते थे। इसी पैसे से आदिवासी क्षेत्रों में रास्ते बन रहे हैं, स्कूल, अस्पताल, खेल के मैदान बन रहे हैं।